निशा रानी को समझाती हुई नजर आई फुकरा इंसान की मम्मी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि घर में एक टास्क हुआ था जहां पर कास्टिंग हो रही थी मूवी की। पूजा भट्ट अपने ऑफिस में बैठ के कास्टिंग कर रही थी और मनीषा रानी को वो विलन बनाना चाहती थी। पासिंग रोल दे दिया वो भी मनीषा रानी को अपने ग्रज के चलते हुए, इसलिए मूवी जो है फ्लॉप हो गई और बेसिक खाना घर के अंदर आया। अब जो है जैसे कि ये OTT अपने अड्डे पे बैठे होते हैं, आज भी जो है अड्डा पूरा भरा भरा है। मम्मी जी आके बैठी हैं, काफी ज्यादा मस्ती मजाक हो रहा है, मनीषा से बात कर रही हैं। वो अपने तरीके से समझा रही हैं कि एक टास्क के जैसा आपको वो लेना चाहिए था और आप वहां पर कर लेते, वो ऑडिशन देते तो क्या हो जाता। तो मनीषा कह रही है कि मैं मानती नहीं हूँ कि मैं विलन हूँ, तो इसीलिए मैं ऑडिशन भी नहीं दी। तो एल्विश भी बोलता है कि हाँ मैं इसको यही बोल रहा था कि उन्होंने मुझसे भी पूछा था, मैं भी नहीं मानता अपने आप को विलन, पर मैंने ऑडिशन दिया बस इतना था। तो यही बात बोल रहे हैं कि तू भी अगर ऑडिशन दे देती तो क्या होता, ये बात बोल रहे हैं। तो अभी आप बताइए कि मनीषा ऑडिशन दे देती तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता, या मनीषा ने ऑडिशन नहीं दिया जो नहीं दिया आपको अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छा मतलब कि रिएक्शन दिया, पूजा भट्ट को थप्पड़ मारा, पूजा भट्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत सही बोली है मनीषा, क्या कमाल कर दिया मनीषा ने, चारों ओर जो है मनीषा की चर्चा हुई। अगर मनीषा ऑडिशन दे देती तो क्या मनीषा की इतनी चर्चा होती? मुझे ऐसा लगता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही है फुकरा इंसान की मम्मी, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मनीषा ने उस वक्त जो किया वो एकदम सही था। आपका क्या कहना है आप बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।